हेलो दोस्तों, हम आपको आज साउल कलर कोड की कटिंग करना बताएंगे। ऊपर से आपको आधा इंच डिस्टेंस रखते हुए निशान लगा लेना है। फिर आपको अपनी लेंथ से आधा इंच डिस्टेंस रखते हुए निशान लगा लेना है। फिर 2 इंच का फोल्ड निशान लगा लेना है। फिर आपको ऊपर से सीने के चौथे हिस्से पर निशान लगा लेना है। फिर 1.5 इंच पीछे करते हुए निशान लगा लेना है। फिर आप ऊपर से 16 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर आपको 2 इंच की प्लेट, 2 इंच, फिर आपको 1.5 इंच, फिर 1.25 इंच, फिर इन सभी निशानों को सीधा कर लेना है। बैक का राउंड इस तरह मिलाइएगा जिस तरह मैं मिला रहा हूँ। फिर आपको सीने के छठे हिस्से पे निशान लगा लेना है कमर का। फिर 1.25 इंच प्लस करते हुए निशान लगा लेना हिप में भी। फिर आपको ऊपर से शोल्डर का निशान लगा लेना है। फिर 3 सूत एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है मार्जिन का। फिर 1.5 इंच कंधी डाउन करते हुए निशान लगा लेना है। फिर आप क्रॉस बैक का निशान लगा लेना है बीच इस तरह धर के। फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। फिर इस तरह राउंड करते हुए निशान लगा लेना है। फिर आपको सीने के 12वें हिस्से पे निशान लगा लेना है 1/2 इंच उठाते हुए। ऊपर से आपको एक गोलाई का निशान लगा देना है। फिर राउंड वाली स्केल से आपको 1.5 इंच पे गिरा देना है कंधी। फिर आपको चौक का निशान लगा लेना है 1/2 इंच। 1/2 इंच का निशान लगा लेना 8 इंच की चौक। रेल का क्रॉस करते हुए नीचे की ओर निशान लगा लेना है। एक हमारे बैक पीस के निशान लग चुके हैं। हम जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हमारे फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बाहर की ओर 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगा सीधा कर लेना है। फिर आपको बैक पीस को रख देना है। बैक पीस के ऊपर आपको 5 इंच का एक कपड़ा छोड़ देना है शॉल कलर के लिए। इन सभी निशानों को सीधा कर लेना है। उठा लेने हैं जितने निशान लगे हैं पहले कटिंग की है जिसपे। सामने आपको 1/2 इंच नीचे डाउन करते हुए निशान लगा लेना, सीधा कर लेना है। और उन सभी निशानों को सेम सीधा कर लेना है। चलिए हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं।
फिर आपको 2 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर 4 इंच पे निशान लगा लेना है पॉकेट का। पॉकेट वाले निशान को कुछ दूर तक सीधा कर देना है, फिर बटन का निशान लगा लेना है, फिर आधा इंच ऊपर रखते हुए एक्स्ट्रा रखते हुए नफेल का निशान लगा लेना है, फिर राउंड स्केल से आपको राउंड डाउन का निशान लगा देना है। ऊपर वाले निशान को सीधा कर लेना है, फिर आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर आपको 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर इन निशान को ऊपर नपेल के निशान को सीधा कर लेना है, कुछ दूर तक 5 इंच लगभग ऊपर स्टार रखते हुए निशान को सीधा कर लेना है, जो आधा इंच कम करके निशान लगाया था उसको भी सीधा कर लेना है, फिर 2.5 इंच पे निशान को सीधा कर लेना है, फिर आपको ये राउंड का निशान लगा देना है, राउंड राउंड कॉलर का। राउंड आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। फिर आपको ऊपर को निशान को सीधा कर लेना है, फिर आपको बैक पीस को रख के नापने लेना है, जो आपको बैक को नाप लेना है जितनी क्रॉस बैक है 108 है जैसे, तो हमारी 108 को हमको बाहर निकालते हुए निशान को सीधा कर लेना है, जितना है उतना निशान मार्क लगा देना है। इसी तरह आपको वेस्ट में भी निशान लगा लेना है, जितना आ रहा है बैक कटी उसको बाहर निकालते हुए आपको वेस्ट का निशान लगा लेना है। इसी तरह आपको सेम हिप में भी निशान लगा लेना है। फिर आपको 2 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर 2 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, टोटल 4 इंच का सब में निशान लगा लेना है, हिप में भी और वेस्ट में भी चेस्ट में भी। फिर आपको बैक के निशान को 6 हिस्से पे सीधा कर लेना है, ये तख्ती का निशान है इसी को हमको सीधा कर लेना है तख्ती वाले निशान को। फिर आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगा लेना है, फिर आपको जो 1.5 इंच पे निशान लगाया था उसको नाप लेना है कितना आ रहा है, फिर उसको आधा इंच की स्ट्रक कम रखते हुए निशान को सीधा कर लेना है। पॉकेट तक आपको निशान को सीधा कर लेना है, फिर आपको क्रॉस का निशान लगा लेना है, जो बुक्स प्लेट है का निशान लगा लेना है आपको। फिर आपको 1.5 इंच कंधे डाउन का निशान लगा लेना है, कुछ दूर तक कंधे के निशान को सीधा कर लेना है, फिर आपको बैक पीस को रख लेना है और कंधे को बराबर करते हुए 2 सूद अंदर के और निशान को लगा लेना है, फिर आपको क्रॉस वाले स्केल से तो आपको निशान को सीधा कर लेना है, फिर आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए नीचे का पल्ला पैनल कटेगा। फिर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा किया तो आधा इंच बाहर को एक्स्ट्रा रखते हुए पैनल का निशान लगा लेना है साइड पैनल का। फिर इसी तरह आपको चौक के निशान को उठा लेना है, फिर आपको चौक के निशान को उसी तरह आपको सीधा कर लेना है अपर मार्जिन का, फिर नीचे वाले निशान को भी सीधा कर लेना है पूरा। फिर आपको 1.5 इंच बैक करते हुए पॉकेट का निशान लगा लेना है, और 4 इंच की पॉकेट, फिर 1 इंच चौड़ी पॉकेट,
फिर साइड पैनल को राउंड करते हुए इंसान को कट कर लेना है। थोड़ा आपको गहरा निशान लगा लेना है, फिर आपको कंधे डाउनिंग का निशान लगा लेना है। फिर आपको आधा इंच स्ट्रक्ट निशान को लगा लेना है। फिर आपको बीच सेंटर का निशान लगा लेना है। फिर आपको ऊपर की पॉकेट से 2.5 इंच नीचे रखते हुए एक प्लेट डाल देनी है। हमारे फ्रंट पीस के निशान लग चुके हैं, हम इसकी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।